हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह साहब फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सीबीएसई ने जो क्लास 12th का सैंपल पेपर रिलीज किया है केमिस्ट्री का, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना। इससे पहले हमने देखा था 11 to 15 जो पांच क्वेश्चन थे, पांच एमसीक्यू, उसको अच्छे से सॉल्व किया था। 17 मिनट का वीडियो था, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, है ना। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 to 20 की। तो ये जो है पांच क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के पूरे पेपर में मेरे हिसाब से सबसे टफ पोर्शन यही होता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है और गलत हम मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो असर्शन रीजन है ये होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पांच क्वेश्चन दिए हैं 16 to 20, है ना। तो पहले हम 16 क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ये असर्शन में एक सेंटेंस लिखा है, रीजन में एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। मान लो ये दोनों सेंटेंस सही है, बट ये जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये दोनों सही हैं एंड ये जो रीजन है वो ऊपर वाले सेंटेंस यानी कि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब हम करेंगे ए को, है ना। तब हमारा आंसर क्या होगा, ए। अब मान लो ये दोनों सेंटेंस सही हैं, ये दोनों सेंटेंस सही हैं, बट ये जो रीजन है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब हम मार्क करेंगे, हमारा आंसर क्या है, बी। यदि ये सेंटेंस सही है और ये गलत है, रीजन गलत है, असर्शन में जो सेंटेंस लिखा है वो सही है, तब हम सी को मार्क करेंगे, ठीक। और ये जो रीजन है वो सही है और असर्शन गलत है, यानी कि ये गलत है और ये सही है, तब हम डी को मार्क्स करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं फटाक से ये पांच क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं आप देखते जाइए उनको। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, द टू स्ट्रैंड्स इन डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो एक स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये जो सेंटेंस लिखा है वो सही लिखा है, उसमें जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर में, वो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, ये सही है। रीजन की बात करें तो रीजन में लिखा है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस, तो ये गलत है। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। तो ये सही है, ये गलत है। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि असर्शन सही है, असर्शन सही है, और रीजन गलत है, रीजन गलत है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि ये किसी एक एनसीईआरटी की लाइन को उठा के क्वेश्चन बना दिया है, तो इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी को आपको एक एक लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गन केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया, यदि आपने अभी तक नहीं किया तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो 14 चैप्टर से वाई मॉलिक्यूल्स, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे ये लिखा है द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है और वो जो ऊपर लाइन लिखी थी वो एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के इन्होंने यहाँ पे रख दी है, यानी कि आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, असर्शन क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एनऑक्सिन एंड ऑल्सो एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रेट, ठीक है। रीजन क्या था, कार्बोनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ओपन चैनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये सही है और ये भी सही है, और जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इसको समझिएगा, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, इस तरीके से CHO आता है उधर, है ना, ओपन चैन स्ट्रक्चर में। तो इसकी जब हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH जब आप इससे रिएक्ट कराते हो, तब ये कह रहा है ऑक्सिजन बनता है, तो सही बात है, यहां से वाटर निकल जाता है और हमें C डबल बॉन्ड N, ठीक है, OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिजन, सही कह रहा है ये। अब दूसरा, जब आप उसको रिएक्ट कराते हो हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है, HCN, तब हमें साइनोहाइड्रिन मिलती है। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, जो कार्बन है उससे एक OH ग्रुप जुड़ा हो और दूसरा CN ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रेट, ठीक है। तो अब ग्लूकोज में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और H ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो जब आप इसकी रिएक्शन इससे कराते हो तो ये H इधर पहुंच जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है और ये साइनाइड इधर आ जाता है, यानी कि हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो इसलिए ये सही है। और दूसरा रीजन, दूसरा सेंटेंस क्या है, द कार्बोनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ये बता रहा है कि कार्बोनल ग्रुप होता है, तो सही बात है, कार्बोनल ग्रुप होता है ना, इसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है, ये फॉर्म हो रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। तो इस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से उन्होंने इसको उठा के रख दिया है, है ना। देखो ये वाई मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 14 से मैंने लिया है इसका स्क्रीनशॉट, ये थर्ड पॉइंट जो है उसको पढ़िएगा। तो जो ऊपर की लाइन थी वो ये थी,
एज इट इज उठा के रख दी, और जो रीजन था वो ये था जो कि एज इट इज उठा के रख दिया। इसी पॉइंट से उन्होंने एसएसएन रीजन को बना दिया है ना। तो ये ग्लूकोज है, इसकी इससे रिएक्शन कराओगे तब हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा है ना। ये ऑक्सीजन मिला क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बनल ग्रुप था। ये ग्लूकोज है, जब आप इससे इसकी रिएक्शन कराओगे तब हमें साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा। ये मिला क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका हो गया, समझ में आया। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी कितनी डेप्थ में जाके पूछ रही है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सबसे टफ पोर्शन होगा वो यही होगा, असर्शन रीजन वाला। क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो गलत आप मार्क कर दोगे, आपका एक नंबर तुरंत चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, काफी आसान है। यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड वेरीज इन ऑर्डर, क्या ये सही है? पहले तो ये चेक करो। तो ये तो गलत है। जो एच आई होता है उसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एच एफ, इसका उल्टा ऑर्डर होगा इस तरीके से, ठीक है। और आप देखो यदि कंपेयर करो एच एफ और एच आई में है ना, तो ये छोटा है ये बहुत बड़ा है, तो इसको फटाक से टूट जाएगा। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे कम इसकी होती है, सबसे कम इसकी होती है, सबसे ज्यादा इसकी होती है, सबसे ज्यादा इसकी होती है, तो ये सही है, ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम है, यानी कि फटाक से टूट जाएगा, तो जल्दी से एच प्लस देगा है ना, यानी कि ज्यादा एसिड होगा। तो ये गलत है ये सही है, यानी कि ये गलत है ये सही है। अब देखो आंसर क्या होगा इसका, असर्शन गलत है, असर्शन गलत है और रीजन सही है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया क्या आंसर हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया हमारा डी। अब बात करते हैं हम 19 की। 19 असर्शन को पढ़ो, C2H5 इज अ बीकर बेस देन अ फिनॉल, क्या ये सही लिखा है? पहले तो इसको देखो, C2H5OH और ये होता है हमारा फिनॉल है ना। तो बेसिसिटी कब ज्यादा होगी? जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, मतलब बेसिसिटी इसकी बढ़ रही है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन घटा रहा है, यानी कि बेसिसिटी इसकी घट रही है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ? ये, ना कि ये है ना। तो ये जो फिनॉल है, जो एल्कोहल है C2H5OH, ये ज्यादा हुआ बेसिक, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया हमारा असर्शन। अब रीजन की बात करते हैं। इन फिनॉल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन इज विथड्रॉन टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस, ये बात कर रहे हैं। रेजोनेंस होता है यहाँ पे, इसकी वजह से ये करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये सही है, ये गलत है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी है ना। डी में क्या होता था? असर्शन गलत होता था और ये सही होता था। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ध्यान से पढ़ो। असर्शन क्या है? अराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। ये कह रहे हैं कि जो अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड मतलब इस तरीके से कोई एग्जांपल ले लो, CH2 और डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया अराइल हैलाइड का। अब क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाता है इसमें? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूटता नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ये जो आया है वो 10th चैप्टर से आया है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, एकदम सिंपल लेवल से है ना। तो यदि उसको नहीं देखा तो पहले उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, राइट। तो ये आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए इसमें आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। समझ में आ गया है ना, आसानी से यहां नहीं जाता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो असर्शन तो गलत हो गया। रीजन की बात करते हैं, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अराइल हैलाइड सेल्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो सही कह रहा है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर होता है, इस तरीके से मूवमेंट होने लगता है इनमें, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर तो आ जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं रिमूव होता है। तो रीजन तो सही है, असर्शन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो इस तरीके से हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप इसकी और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। चूंकि एक ये नया पोर्शन आपके लिए हो सकता है ना, और थोड़ा सा टफ मानूंगा मैं, क्योंकि MCQ और वन वर्ड से तो ये टफ है ही, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप, ये पता लगाने में कंफ्यूजन हो जाता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका है या नहीं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर इसके और क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपको किसी तरीके की कोई सजेशन देना है तो मुझे दे दीजिएगा, 9009155849 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस हो सकता है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।